हेलो 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 हेलो, माइक चेक, एम आई ऑडियबल? यस यस सर। सर, ओके, थैंक यू। Let us wait for a few more minutes so that your friends can also join the meeting. I hope everybody of you have pen, notebook, and calculator. सब लोगों ने पेन, कैलकुलेटर, नोटबुक ले लिया है ना? यस सर। ओके, इफ नो यू कैन टेक इट राइट नाउ। Is there anyone who has doubt in submission? सर, आप एक बार बता दीजिए, देखिए क्या कि किसका किसका सबमिट हुआ है। किस किस को सबमिट हुआ है? यस सर। जस्ट अ मिनट, मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया किस किस का सबमिट हुआ है। अभी मतलब सर, हमको समझ आ जाएगा अगर नहीं हुआ है। जस्ट अ मिनट, कैन यू सी दिस स्क्रीन? सी नाउ, कैन यू सी इट? यस सर। ओके, यस राइट यस सर। नाउ आई एम ओपनिंग द SME शीट। ओके, सो फॉर SME देर आर 15 स्टूडेंट्स हु हैव सेंड देयर व्हाट यू कैन से राइटअप्स। So if I arrange this data by your roll number, okay. So these are the students who have sent the SME mark sheet, and just now Vishaka has sent. Vishaka, are you there in the lecture? Vishaka, आप अभी lecture में हो? नहीं है। ठीक है, सो और किसी को देखना कि उसका सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है? नाउ सी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई विल गो थ्रू वन ऑफ दी सबमिशन। ठीक है, कावेरी अविशिंदे का है, जो अभी शायद लेक्चर में भी है, तो इसने क्या भेजा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी इसने देखो क्या लिखा है, मैनुअल SME डॉट IMIRK। तो हमें क्या लिखा था,
मैसेज में हमने क्या लिखा था कि फाइल को रिनेम कैसे करना है. वी हैव टू रिनेम द फाइल विथ. नहीं सर वो क्या हुआ पता है क्या, मेरा हो नहीं रहा था. मेरी जैसे नहीं हो रहा था, वो एक फ्रेंड ने कर दिया सर, उसके लिए वो शायद उसका नाम आ गया. जो फाइल नेम तो ठीक है आपको रिनेम करना है ना. ओके तो वो फाइल नेम आपको कैसे करना है, अभी मैं नंबर से करना है ना. हाँ पर वो मेरी इधर से पीडीएफ सेंड नहीं हो रहा था, उसी ने बना के भेज दिया, इसलिए वो फाइल नेम गलत हो गया. ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं. बट अभी देखो इन्होंने से किया है B-29 एंड सीट नंबर 190F. यहाँ पे F बाकी है, F190-300-148 ठीक है. देन क्वेश्चन, उसका आंसर, देन डायग्राम. अभी दिस इज पेज नंबर 2. हर पेज के ऊपर ये ऐसे ही करना है आपको. ओके और अभी ये शायद ब्लैक एंड वाइट है, अगर पॉसिबल है या फिर डू इट कलर्ड वन. आपने ये जो कलर, आपने शायद ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन से किया होगा, और ये जो है ये पेंसिल से किया होगा. सो लेट इट बी कलर्ड वन. ठीक है अब कलर वाला जो भी फाइल है या फिर पीडीएफ है उसे अपलोड करो. ठीक है ताकि फिर क्या होता है आगे चल के हमारे लिए आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा ये. ठीक है और जैसे ये इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही भेजे है, उतना ही आपको भेजना है. क्वेश्चन आंसर ही आपको भेजना है, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं. और इनके पास अभी ये शायद स्टेशनरी अवेलेबल थी, तो उन्होंने स्टेशनरी के ऊपर लिखा है. अगर आपके पास प्रिंटआउट वाला फैसिलिटी अवेलेबल है तो प्रिंटआउट ले लो, उसके ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं. ये स्टेशनरी अवेलेबल है, स्टेशनरी के ऊपर लिखो. या कोई भी नोटबुक अवेलेबल है, कोई भी पेज अवेलेबल है, कोई भी पेपर अवेलेबल है न्यूज़पेपर छोड़ के, तो उस पेपर के ऊपर आपको लिख कर यहाँ पे अपलोड करना है. ठीक है Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So this yes, is sir. All about SME. ये SME वाला हो गया. Now we will go to the second one, which is the workshop. Isn't it? Workshop वाला open करेंगे. For workshop, only 15 students have send the workshop submission. Okay. इसको फिर से सॉर्ट हम लोग करते हैं. सॉर्ट बाय बी. ओके अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दीप्ति पाटिल. ठीक है दीप्ति पाटिल आर यू देयर इन द लेक्चर? यस सर. ओके तो यहाँ पे भी इन्होंने कैसे किया है, दीप्ति पाटिल B-43. सो रिनेम उसको ठीक से करो. अभी ये वर्कशॉप में तेरा भी वो मुझे फिर से रीनेम करके सेंड करना पड़ेगा क्या आपको? जी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है. ठीक है तो इन्होंने क्या किया, वर्कशॉप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहाँ पे सीट नंबर लिखा है, नाम लिखा है और B-43 लिखा है. ये नाम एडिशनल है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. देन क्वेश्चन 1 और उसके आंसर्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसके आंसर्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, देन एक्सपेरिमेंट नंबर 4. अभी यहाँ पे ड्रॉ नीट स्केच ऑफ एन रैडल ड्रिलिंग मशीन, तो रैडल ड्रिलिंग मशीन के डायग्राम यहाँ पर है. ठीक है देन एक्सपेरिमेंट नंबर 5. अब 6, 7, 8 इसके लिए डायग्राम्स है. ओके तो वो डायग्राम आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है 6, 7 और 8 के लिए. जो जो डायग्राम है जॉब वाले, वो डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं और वो इसमें ऐड करने हैं. ठीक है अभी आपने okay. अभी ये देखो ये भी जो है ये कलर्ड नहीं है या कलर्ड है, थोड़ा ब्लू शेड नजर आ रहा है. थोड़ा आप कोशिश करो कि अच्छे से आप फोटो या फिर सर फिर उसका वो पीडीएफ साइज बढ़ जा रहा है सर वो, और फिर अपलोड नहीं हो रहा है. सॉरी सॉरी कलर में अगर अपलोड करना चाहे ना जी, तो फिर उसका पीडीएफ साइज बढ़ जा रहा है और वो अपलोड नहीं हो रहा है. ओके आपने ये ट्राई किया, मैंने जो लिंक्स दिए है ऑनलाइन टूल यूज किया है कंप्रेसर वाला है ना सर? हाँ कंप्रेसर बराबर. हाँ उससे भी नहीं हो रहा है सर, मैंने किया था. बिफोर 10 नहीं हो रहा, 10 MB के नीचे नहीं हो रहा है. मतलब कलरफुल है तो हो ही नहीं रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट किया तो ही हो रहा है. अच्छा आप मुझे अभी भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो? हेलो सर कलर वाला व्हाट्सएप कर सकते हो अभी? ओके सर अभी कर.
जी मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनली, यस सर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सर जी सर, अगर पेपर घूम गए तो? पेपर सॉरी सर, मतलब अभी आपने चेक कर लिए उसके बाद तो पेपर घूम गए तो? हाँ, तो वापिस से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, घूम होने दो, कोई तो सर इम्पोर्टेंट है ये, सॉरी सर मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। आशुतोष आप बात कर रहे थे शायद? सर विनय सोनवा ने। हाँ विनय सोनवा ने बोला सर पेपर इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, वी हैव टू प्रिजर्व योर व्हाटएवर मटेरियल इज। हम लोग अभी, आप अगर कॉलेज में आओगे ना तो मेरे सामने एक रैक है, उस रैक में आपको लास्ट टू इयर्स के पूरा जो सबमिशन है वो आपको वहाँ पे नजर आएगा, तो वो प्रिजर्व करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, आपको नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप फिजिकली आके वो सबमिट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको हम लोग कह रहे हैं कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप पीडीएफ फाइल अपलोड करो और फिर उसे हम लोग इवेल्यूएट करके उसके ऊपर से मार्क्स दे देंगे। सो ये बड़ा मीडियम है। ओके सर, कलर वाला पीडीएफ सेंड करना है क्या फिर से न्यू तैयार करके? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हम लोग अभी देखेंगे फिजिकली प्रॉब्लम जो है ना वो पहले फेस करते हैं और बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अभी आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है, अभी ये शायद किसने भेजा, ये मैंने भेजा सर, B29, यस B29 इन्होंने भेजा है, कावेरी शिंदे ने। तो आपको अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट इज ब्लैक एंड प्लस ब्लू कलर्ड। ओके, और इसकी अगर फाइल साइज देखेंगे हम लोग, इसके अगर प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करते हैं, सो द प्रॉपर्टीज कम्स अराउंड 15 MB। ठीक है, नाउ लेट मी कॉम्प्रेस इट विद द पीडीएफ कॉम्प्रेसर। ठीक है, हाउ मेनी पेजेस आर देयर कावेरी? 12 पेजेस आर देयर, 12 पेजेस सर, वो से टर्म वर्क के 23 समथिंग, और प्लस वो डायग्राम्स अभी आपने ड्रॉ नहीं किया है, वो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे बराबर? कौन सा डायग्राम सर? एक्सपेरिमेंट नंबर देखो, ये वाला जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, तो 7, 8, 6, 7, 8 इनमें सिर्फ डायग्राम्स दिए गए हैं, तो वो डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। अच्छा, ओके सर। और सर वो प्रिंट आउट में आ जाएंगे? जस्ट अ मिनट, देखो अभी ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो इसकी साइज 2.5 MB हो गई है, सो यू कैन डू इट ना, 2.5 MB इज नथिंग। अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ पे चेंज हुई है, 15 MB से लेके 2.5 MB तक ये कॉम्प्रेस हो चुकी है विदाउट अफेक्टिंग इट्स रेजोल्यूशन। आप ये रेजोल्यूशन देखो, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके कावेरी, ओके यस सर। तो ये आप मोबाइल में भी कर सकते हो या फिर लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप रहेगा, कहीं पर भी कर सकते हो। कल मैंने ट्राई किया तो नहीं हो रहा था सर, तो फिर से ट्राई करो एक बार। ओके, और अगर फिर भी दिक्कत है तो मुझे एक बार पूछ लो, बता दूंगा क्या। मैंने अभी आपके सामने ही तो किया है ना, मैंने कुछ नया नहीं किया, आपके सामने ही किया है। और ये ऑनलाइन टूल्स है अलग अलग, तो ये सारे ऑनलाइन टूल, सपोज ये वाला टूल काम नहीं किया तो दूसरा वाला टूल यूज कर सकते हो आप। ओके, जरूरी नहीं है कि यही वाला टूल यूज करना है, या फिर ये भी नहीं है कि इन लोगों ने मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ रिन्यूमरेशन दिया है, ऐसा भी नहीं है। ओके ठीक है, तो चलो अभी रुकते हैं और आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सर यस सर, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, 7, 8 डायग्राम्स है, तेज कराई चेक का। यस, यू आर टॉकिंग अबाउट वर्कशॉप। वर्कशॉप, यस सर। यस, तो वर्कशॉप में 6, 7, 8 इनमें ना जो जॉब आपको बनाना होता है तो उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है,
क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, दैट डायग्राम इटसेल्फ इज एन आंसर, ओके। और ये सब कुछ आपको प्रिजर्व करके रखना है, जब भी आप कॉलेज में आओगे उस कॉलेज में आने के बाद ये आपको फिजिकल जो उसकी कॉपीज है वो सारा सबमिट करना है, तो इसको गुम होने नहीं देना है। अगर बाय चांस गुम हो गया तो फिर से आपको दोबारा ये लिखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ पनिशमेंट नहीं, बस सिर्फ ये फिर से आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है सर? यस म्हणजे ना आता आमचं मी ब्ल्यू पेन ने लिहिलेलं ऑलरेडी, ते आता परत एकदा कलरफुल लिहायला? नाही अजिबात नाही, तुम्हाला आता बघा तुम्ही जर का ब्लॅक अँड व्हाईट स्कॅन केलं असेल तर तुम्ही पुन्हा एकदा स्कॅन करा आणि त्यामध्ये कलर ऑन ठेवा, ब्ल्यू कलर असेल ब्ल्यू, ब्लॅक असेल ब्लॅक, ओके 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 सर। मतलब पीडीएफ सेंड करणे क्या? हाँ, अपलोड करते हो तो फिर से ये इमेज लिंक के ऊपर आप फिर से अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके सर। यस सर, वन बाय वन, वन बाय वन। यस सर, मैंने ऑलरेडी कलर में अपलोड किया है बट मेरा उसमें डायग्राम्स बाकी है, फिर से दोबारा पूरा करने का क्या? अच्छा, अभी इसमें दिक्कत क्या होगी, सपोज आपने कर दिया तो फाइल को आप रिनेम कैसे करोगे कि सीट नंबर F, उसके बाद जो आगे वाले सीट नंबर है, देन योर डिवीजन रोल नंबर फॉर एग्जांपल B-01 एंड देन योर नेम एंड लास्ट में अपडेटेड, ऐसे आपको लिखना है। पहले अगर आपने किया है अपलोड और उसके बाद में फिर से आप अपडेट कर रहे हो और अपलोड कर रहे हो तो ये अपडेटेड करके आपको लिखना है। मैक्सिमम दो बार ही आप अपलोड कर पाते हो, कर सकते हो, उसके बाद अगर अपलोड किया तो वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि सब लोग अगर दो दो तीन तीन बार करने लगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, हमारा काम बटेगा, ठीक है? ओके सर। किसी को अगर कुछ चल दोनों भी फाइल अपलोड करने दे फिर से जी, दोनों भी अगर आप एज पर एडवाइस जो हमने डिस्कशन किया है उससे अगर अपलोड नहीं किया है तो फिर से अपलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। एनी अदर डाउट ऑन द सबमिशन सर? अब जो एक्सपेरिमेंट नंबर 789 का डायग्राम आपने बोला वो फिर से ऐड करके सेंड करना है क्या उसमें, क्योंकि पहले पता नहीं था तो मैंने किया नहीं है। जी कोई दिक्कत नहीं, तो आप फिर से वो उसे ऐड करो और उसे फिर से नई लिंक में अपलोड करो, ठीक है? उसके लिए नई लिंक देने वाले हो कि उसी पर? नहीं, यही लिंक में, यही लिंक में फिर से अपलोड करना है। ओके सर। ओके सर, टाइम कब तक है? टाइम हमने बोला था ना 17 तक है। ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट? नो सर। यस अथर्व, माझं तेव्हा ऑलरेडी दोनदा सबमिट केलं होतं, म्हणजे चुकून म्हणजे माझा सीट नंबर आले ऑलरेडी दोनदा सबमिट। अच्छा, तुझं दोनदा झालं? ओके, तू मला थोड्या वेळाने पुन्हा विचार, ओके, मला फोन करावं तर 3:30 नाही, माझे ते डायग्राम खूप करायला लागेल, त्यासाठी मला परत सबमिट करावं लागेल। हो, तुला परत करावं लागेल तर 3:30 वाजता मला फोन कर, तुला सांगतो काय करायचं। ओके ओके, एनी अदर डाउट? नो। ओके, नाऊ लेट अस डिस्कस अवर लास्ट टॉपिक विच इज नथिंग बट द सिंपल गियर ट्रेन। नाउ कैन यू सी द पीपीटी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो व्हाट इज एक्झॅक्टली गियर ट्रेन, दैट ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड, बट सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन मतलब क्या, एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर को हमने माउंट किया हुआ है, ठीक है? दैट इज नथिंग बट द सिंपल गियर ट्रेन। ओके, इफ देर आर मल्टीपल गियर्स ऑन द वन शाफ्ट देन इट इज कंपाउंड गियर ट्रेन, देन नेक्स्ट वन इज द रिवर्टेड गियर ट्रेन, बट वो आगे वाली चीजें हैं वो मैकेनिकल वाले बंदे पढ़ लेंगे आगे, ठीक है? हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है और उसमें से हम लोग उसका स्पीड, डायमीटर, नंबर ऑफ टीथ और रोटेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उतने तक ही हमें देखना है। ओके, सो अभी आपके सामने चार अलग अलग गियर्स है, ओके, और ये अलग अलग शाफ्ट्स है, उन सब शाफ्ट के ऊपर एक एक गियर हमने माउंट किया है। सो दिस इज व्हाट इज द गियर ए, गियर बी, गियर सी एंड गियर डी।
Okay. Now, if gear A is the driver gear, means what? Input is given to the gear A, then this last gear, that is the gear D, will be the driven gear, or in other words, we can call this as an output gear. Okay. All of you mute yourself. जब डाउट है तभी आपको अनम्यूट करना है और डाउट पूछना है, बीच में आपको अनम्यूट ही रहना है, ठीक है? Then this is what is the driven gear or the output gear. इन दोनों gears के बीच में जो भी gear आते हैं, those are called as an intermediate gears. So intermediate gears can be one gear or it can be two gear or it can be three four gears. Okay, depending upon the distance by which we want to transmit the power, these gears can be increased. Okay, but minimum what we should have, minimum we should have a driver gear or the input gear, or we should have the driven gear, that is nothing but the output gear. So minimum one gear pair we should have. Okay, so here you can see this is the driver gear, driven gear, then this is driver gear and this is driven gear, and this one is the intermediate gear. So over here we have three different gear pairs, then here we have driver gear and here we have driven gear, and these are the intermediate gears. Okay, so these are nothing but the intermediate gears. So by looking at the figure, what you can guess immediately is its rotational direction. Okay, so say for example, this driven gear is being rotated clockwise, this will rotate anti-clockwise, this will rotate clockwise, and this will rotate anti-clockwise, isn't it? Same, agar do hi pair hai, agar do hi hai, then what we have? Opposite direction. Okay, input ka jaisa hai, uske opposite wala output rotate karega. If we have three gears, or if we have odd number of gears, then same direction can be observed. Ye clockwise hai, to ye anti-clockwise, or ye fir se clockwise. When we have even number of gears, then the rotational direction of the output gear will be the opposite one, just like this. Okay? So from the diagram, what you can understand? You can understand the rotational motion. Okay? So this is one part or the one question which you can attempt. What is the direction of rotation? Second one is, one relationship is being established between the N, D and T. N is for speed, D for diameter, and T is for number of teeth. In some books, T is being replaced by Z. Z is also number of teeth only. ठीक है? तो इनका एक relationship established किया गया है. That is nothing but the NB upon NA is equal to DA upon DB, which is equals to TA upon TB, and which will be equals to ZA upon ZB. ठीक है? तो ये अगर आपने छोड़ भी दिया, नीचे वाला पार्ट अगर आपने छोड़ भी दिया, देन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. नाउ ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट ऑन द नोटबुक. ये सब लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है? एंड ड्रॉ इट फास्ट, ड्रॉ फ्री हैंड. फ्री हैंड मतलब क्या? विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट यू हैव टू ड्रॉ इट. Sir, what is use of intermediate gears? Intermediate gears. First use, अगर direction अगर हमें change करना है या फिर same रखना है, तो इसके हिसाब से हम लोग intermediate gear रख सकते हैं. Then, अगर distance है, दोनों के बीच में काफी सारा distance है, then we will have to add the intermediate gears. So basically, the use is distance को achieve करना. That is the what is the main use of the intermediate gears. Yes, sir. Finished diagram drawing.
डन विद द डायग्राम? यस सर. यस सर. ओके, इफ यू आर डन विद द डायग्राम देन राइट डाउन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, NB upon NA वाला फॉर्मूला. ओके, if done let me know. Okay, if you have done you can raise your hand. Done, sir. Okay. Let us wait for others to finish it. बहुत ही सिंपल ये न्यूमेरिकल्स है. Okay. Now. Okay. Now we will solve the numerical. ठीक है. So. Now pay attention over here. Okay, just a minute. Now here, this is what is the driver gear and this is what is the driven gear. You can name this particular gear as NA and this is what is gear B. Okay, now the input or the initial value of NA is say given as 200 RPM. Now you have to assume this as in 200, okay, and the output which is given NB is not given, okay, that you need to find out. Okay, then diameter is given. Say for example, diameter of this gear A is given as for example 50 centimeter. Okay, and over here diameter is given as, diameter of B is given as 50 mm. Okay, 50 mm and 30 mm. So can you calculate the N of the B, NB? Yes sir. Okay, go for it and tell me what yes, is the answer. Sir. Three hundred and thirty-three point three. Okay, this is the one answer. Let us see what others have got. Sir, same. Yes, sir. Same. Very good. Same answer. Very good. Very good. Now see. So from this, what you can judge whether the speed has increased or it is decreased. Decreased. How come it is decreased? No sir, increased. This is the input here, sir, which is rotating at 200 RPM, and over here you have 333, na? What is the answer? 333.3. Okay. So over here NB is rotating at 333. Means what? Speed is increased. So from looking at the figure you can judge that if the diameter diameter and T, you can relate it, isn't it? Whenever diameter is more,
then RPM will be less. Whenever diameter is less, RPM will be more. Now, calculate about the number of teeth on B. If number of teeth on A are 36, how many will be teeth on gear B? Calculate it. Twenty-one point six. Very good. Very good. 21.6. Very good. Now see, our this particular meeting is getting over. So leave the meeting and join same meeting again through the same link. Okay.